नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 2022 में आई मूवी द लास्ट फाइटर। यह एक एक्शन मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है एलेक्सेंडर वैक्सिनी ने। इस मूवी में हम देखते हैं कि एक इंटेलिजेंट वकील है जो मदद करना चाहता है ऐसे बच्चों का जो गरीब और अनाथ है, इसलिए वो मार्शल आर्ट चैंपियन बनने की कोशिश करता है। द लास्ट फाइटर मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी और इमोशनल भी है। राइटर ने इस मूवी की कहानी को बहुत ही अच्छे से लिखने की कोशिश की है, लेकिन इसका डायरेक्शन और कोरियोग्राफी बिलो एवरेज है। एक्ट्रेस ने भी इस मूवी में एवरेज परफॉर्मेंस की है, जिसकी वजह से आपको ये मूवी थ्रिल और एंगेज नहीं कर पाती है। मूवी की कहानी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन मूवी का मैसेज टचिंग है। इस मूवी का एक्शन सीन भी बिलो एवरेज है। मूवी के फर्स्ट हाफ में किसिन सीन और नॉर्मल से वेट सीन भी है। इसको अगर स्किप किया जाए तो मूवी को फैमिली के सामने भी देखा जा सकता है। इस मूवी में एक अच्छे मैसेज को दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और एक्टर्स के डल परफॉर्मेंस की वजह से यह मूवी एक एवरेज मूवी की कैटेगरी में चली जाती है। मूवी की लेंथ 1 घंटे 40 मिनट की है और इसका हिंदी डबिंग भी अच्छा है। ओवरऑल इस मूवी को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 2 out of 5। आज के रिव्यू में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के इंटरेस्टिंग शॉर्ट रिव्यू में। अगर आपको मेरी शॉर्ट रिव्यू अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। आपको ये रिव्यू कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।